हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू फिजिक्स। इट्स माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रज़ा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 का आर्टिकल एसी थ्रू रेजिस्टेंस। चैप्टर नंबर 16 का एसी थ्रू रेजिस्टेंस लेक्चर नंबर ये हमारा हो जाएगा 3। ज़रा जिन्होंने पहले दो लेक्चर नहीं सुने काइंडली वो लेक्चर दोनों सुन लीजिएगा। ये उन्हीं के साथ क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। हमने क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट को रजिस्टर में से गुजारना है, ठीक है, और फिर देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर रजिस्टर का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? अभी देखते हैं हम लोग, बच्चा लोग ज़रा कापी पेंसिल निकाल लें। तो अभी मैं जो फर्दर स्टेप लिखवाने लगा हूँ उन्हीं को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्टकट बोलने लगा हूँ, सर्किट डायग्राम सॉल्व करनी है। सर्किट डायग्राम, फिर उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद बचे आपने पावर फैक्टर, ठीक है, उसके बाद ग्राफ कर लें, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद आपने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बाद आपने इसके रेजिस्टिव इफेक्ट, और एंड पे आपने क्या करना है, पावर को क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, फिर उसके बाद इक्वेशन, ठीक है, फिर क्या है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, फिर रेजिस्टिव, और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका फेजर डायग्राम भी आ जाएगी, ठीक है, फेजर डायग्राम। क्लियर हो गया? ये हम सब लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इस सबसे पहले कुछ ज़रूरी है, फेज लीड और फेज लैग का चक्कर, ठीक है, हमें कौन सा फेज लीड करेगा और कौन सा फेज क्या करेगा, लैग करेगा। सबसे पहले देखते हैं फेज किसे कहते हैं। फेज, बच्चे ये देखिए ज़रा, आपके पास ये, मेरे पास क्या है, एक साइनोसाइडल वेव है, किस चीज़ की, वोल्टेज की, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पीक वोल्टेज होगी। इसकी जो इक्वेशन बनती है, तो बच्चा लोग लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो क्या इक्वेशन थी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ये जो थीटा है, ठीक है, या ये ओमेगा टी या थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, ठीक है। हमारे लिए फेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फेज का डिफरेंस। और फेज का डिफरेंस कब तब होगा, जब आपके पास दो फंक्शन होंगे, या दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ होंगी, या दो एसी क्वांटिटीज़ होंगी। जब दो एसी क्वांटिटीज़ को आप साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फिर आप उनके दरमियान फेज़ का डिफरेंस क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा फेज़ आगे बढ़ रहा है, कौन सा फेज़ पीछे बढ़ रहा है, पीछे रह रहा है, कौन सा फेज़ लीड कर रहा है, कौन सा फेज़ लैग कर रहा है, ठीक है। और फिर आप उसको एक फेज़र वेक्टर के साथ ड्रा करेंगे। फेज़र वेक्टर जस्ट वेक्टर नहीं होता, बल्कि उन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के दरमियान फेज़ का डिफरेंस क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। अभी देखते हैं। अच्छा जी, बच्चा लोग हम देखने लगे हैं फेज़ को कैसे हल करने लगेंगे। ये देखिए ज़रा, वी इज इक्वल टू, अगर थीटा ज़ीरो हो, थीटा क्या हो, ज़ीरो, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट, और साइन ऑफ क्या आ जाएगा, ज़ीरो और वी ज़ीरो। थीटा कितना हो, 180 डिग्री का हो, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 180 डिग्री। ये जो थीटा है फेज़ को शो कर रहा है, फेज़ के चेंज होने से इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होगी। ये देखिए ज़रा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन 90, और वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज के इक्वल है। जैसे जैसे फेज़ चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो वी नॉट, यहाँ पर 180 डिग्री होता है तो
वी क्या होगा, जीरो होगा। सो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या है करते आए हैं, क्लियर हो गया। अब ये तो था फेस, हमें फेस से कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है किसके साथ, फेस डिफरेंस। और फेस डिफरेंस के लिए दो टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या होनी है, लाजमी तौर पे क्या होंगी, यूज होंगी। चले अब मैं फेज डिफरेंस देखने लगा क्या है इस चीज़ को, अभी मैंने बाद में एसी थ्रू रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराना है, क्योंकि ये वाला सारा पोर्शन इसी के ऊपर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। चले ये मेरे पास दो ग्राफ बनाने लगा हूँ, लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास क्या है एक वेव, ठीक है, ये मैं पोर्शन बना लेता हूँ ग्राफ के ताकि आपको परेशानी ना हो। ये एक वेव यहाँ से गुजरी, यहाँ से और यहाँ से, एक वेव क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। दूसरी वेव जो है वो इधर से गुजरेगी, यहाँ से, क्लियर हो गया। ये ले, ये दूसरी वेव क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब यहाँ को इसको वन कह लें, इसको क्या कह लें, टू कह लें, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम दे दें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, और ये क्या है, डी पॉइंट। अब देखने लगे हैं फेज का डिफरेंस क्या है, दो क्वांटिटीज एक ही ग्राफ में आ गई, अब फेज का डिफरेंस देख लें। ए पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इसका एंगल कितना है, ये ज़ीरो, ये पाई बाय टू, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, पाई, और ये क्या आ जाएगा, थ्री पाई बाय टू, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टू पाई। और अगर मैं इसकी ग्राफ देखूँ ब्लैक वाली का, तो यहाँ पर ये ज़ीरो होगा, ये पाई बाय टू होगा, और ये पाई और थ्री पाई बाय टू। इसको अभी छोड़ दें, ठीक है, ये अभी रहने दें इस चीज़ को। अब ए पॉइंट पर देख लें, किसी एक पॉइंट पर डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, तो थ्रू आउट द डिफरेंस क्या होगा, सेम ही फेज का डिफरेंस रहेगा। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है, थ्रू आउट द फेज डिफरेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये देखिएगा ज़रा, मेरे पास यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर अब बात करते हैं हम लोग, तो कर्व वन ग्रेटर माइनस लोअर, ग्रेटर का एंगल कितना है, टू, ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस, और इसका एंगल कितना है, ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू। अब एंगल किसका ज़्यादा है इसका, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वाली वेव वन जो है, वेव वन वो लीड कर रही है किससे, ठीक है, वेव वन जो है लीड कर रही है बाय पाई बाय टू, ठीक है। या हम लोग क्या कहेंगे, वेव टू जो है, ठीक है, लैग बिहाइंड, ठीक है, या वेव वन क्या है, लैग कर रही है पाई बाय टू से, किससे, फ्रॉम वन से, ठीक है। क्या है कि अभी हमने क्या किया कि हम ये कह सकते हैं आसानी से कि कौन सी लीड, जिसकी एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल इस पॉइंट पर ज़्यादा है, तो ये वाली कर्व क्या कर रही है, लीड कर रही है, इसका एंगल क्या है, कम है, तो ये वाली कर्व क्या कर रही है, लैग कर रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका एंगल कम तो ये लैग पीछे और आगे बढ़ गई लीड। अगर हम यहाँ पर देखें डिफरेंस कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करने लगा हूँ बी पॉइंट के ऊपर, ठीक, और बी पॉइंट के ऊपर, पहले ए के ऊपर, तो बी पर देखें, तो ए क्या है पाई, दूसरा क्या है पाई बाय टू, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई, पाई बाय टू डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस, दोनों को माइनस करें। तो जो बताने का मकसद क्या है, जो एक पॉइंट पर फेज डिफरेंस आ जाता है वो कंटिन्यूसली क्या है, पूरी वेव में चलता ही चलता है, क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा ग्राफ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, दोबारा यहाँ से एक्सप्लेन करने लगा हूँ इसी चीज़ को
फेज लीड और फेज लैग के दूसरे ग्राफ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ इधर से, ठीक है। एक तो ग्राफ मैंने कर दिया और दूसरा ये देखें, ये मैं चार फेज बनाने लगा हूँ ताकि ये बना लिया करें, इससे आसानी होगी। एक कर्व मेरे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही इधर इधर, ओह सॉरी बच्चा पार्टी गलत हो गया, ये देखें यहाँ से और यहाँ से, और देखिएगा ज़रा दूसरी कर्व, ये मुर्शिद पाक शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है, और ये मुर्शिद यहाँ गई और ये यहाँ से और ये इधर। अब यहाँ पर देखिएगा ग्रीन का एंगल कितना, पाई बाय टू, इधर पाई, इधर थ्री पाई बाय टू, और ये क्या रहेगा पाई। और ब्लैक वाले का एंगल देख लेते हैं, इसको कर्व वन कह लें, इसको कर्व टू कह लें, ये ज़ीरो पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू और टू पाई। अब इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पर किसका एंगल ज़्यादा है, पाई बाय टू माइनस ज़ीरो, तो पाई बाय टू मेरे पास क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्या रहेगा बच्चे, फेज, किसका फेज ज़्यादा आ रहा, इसका। तो इसका मतलब क्या है कि वे वन लीड कर रही है, लीड बाय पाई बाय टू, किस से, वेव टू से। यहाँ वेव टू क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे रह रही है, ठीक है, किस से, वेव वन से, कितने एंगल से, पाई बाय टू से। अब ये तो इनका हो गया ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अब इनकी फेजर डायग्राम बनाने लगा हूँ। क्या बनाने लगा हूँ, फेजर डायग्राम। इसकी जो फेजर डायग्राम बनेगी, देखिए एंगल कौन सा है, पाई बाय टू, कौन सी चीज़ क्लियर हो गया, जो लीड कर रही है, लीड करने वाली को हम वाई एक्सिस पर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो लीड कौन सी कर रही है, कर्व वन कर रही है, और लैग कौन सी कर रही है, ये वाले कर्व टू, और कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 90 और पाई बाय टू, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो वेक्टर बनाया है, वेक्टर, ठीक है, ये मैंने जो क्या किया है, वेक्टर बनाया, वेक्टर, ये शो कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड को, ठीक है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा, इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ इनके मैग्नीट्यूड को क्या करेगी, शो करेगी, और इनके दरमियान जो एंगल है वो इन दोनों के फेज को क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर हो गया, एक्चुअली ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये फेजर वेक्टर हैं, ये कभी क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होगी, ये फेजर वेक्टर हैं। फेजर वेक्टर का जस्ट हमने सहारा लिया था कि हम इनके फेज डिफरेंस को वेक्टोरियल फॉर्म में क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। क्लियर हो गया। अब थर्ड वन, एक ग्राफ और यहाँ से, तीसरा ग्राफ मैं एक और करने लगा हूँ। ये किसका है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ले लेते हैं, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, एक ये वाली, क्लियर हो गया, ये, ओह यार, ये वाली एक क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी होगी, दूसरी क्वांटिटी मैंने ये ले ली, इसको मैंने नाम दे दिया वोल्टेज का, दूसरी क्वांटिटी मैंने जो है रेड वाली ले लेता हूँ, यहाँ से ये ले, ये ले, ये ले और ये ले। अब जहाँ मर्जी, चाहे ए पर, बी पर, सी पर, डी पर फेज कैलकुलेट करें, ये ज़ीरो, ये पाई बाय टू, और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इस पॉइंट पर बी पर कैलकुलेट करें तो पाई बाय टू, पाई माइनस पाई बाय टू, और ये क्या रहेगा, पाई बाय टू, कि जिसका एंगल बढ़ा है उसका ही आंसर आया। तो इसका मतलब कौन सी, वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो वोल्टेज की कर्व हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है, और करंट दूसरी जो है, ये जो है, ये वाली वोल्टेज है और ये वाली क्या है, करंट, और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही, करंट नीचे, वोल्टेज अपवर्ड, और थीटा कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। जितने एंगल से, 90 या पाई बाय टू से, जितने एंगल से क्या करिए, लीड करिए, लैग करिए, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। लो जी बच्चा लोग, अभी हमने ये फेज़ लीड और फेज़ लैग पढ़ लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसे फेज ऑफ एसी भी कहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमें ये करना ही करना था। तो अभी हम अपने बेसिक आर्टिकल की तरफ बढ़ने लगे हैं, एसी थ्रू रजिस्टर। लो जी स्टूडेंट्स, अभी हम साथ अगला पोर्शन अपना साथ लेकर चलेंगे, एसी थ्रू रजिस्टर, पहले नंबर पर सर्किट डायग्राम। तो बच्चे लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, या एक ऐसा सोर्स है जिसकी पोलैरिटी
जो वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, या ऐसी वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी क्या है चेंज हो रही है, या जिसकी डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैंने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स को रजिस्टर के साथ, ठीक है, ये रजिस्टर भी हो सकता है, लोड भी हो सकता है। लोड का मतलब क्या है, कोई ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, उसके साथ मैंने इसको सीरीज़ में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा वो V होगा, और यहाँ से करंट क्या है, I गुजरेगी, जो इधर से होती हुई इधर जाएगी। कब, 0 से T/2 एक साइकिल होगा, और जब हम बात करेंगे किस चीज़ की, नेक्स्ट हाफ साइकिल की, ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो गया, पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, तो फिर यही वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये वाली पोलैरिटी नेगेटिव, ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव, और ये करंट अब यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, T/2 से टाइम कितना आ जाएगा, T, और ये करंट इधर से इधर फ्लो करेगी। इसका मतलब क्या है कि यही रजिस्टर से एक आधे टाइम के लिए करंट इधर और आधे टाइम के लिए करंट गया है वापस। तो इसका मतलब क्या है कि वंस अ साइकिल में रजिस्टर में से दो दफ़ा क्या करती है, करंट क्या है, गुजरती है। यानी कि जो अगर फ्रिक्वेंसी वन हो, इसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि इसकी रोटेशन यानी कि इसकी पोलैरिटी चेंज एक दफ़ा हो, ठीक है, तो रजिस्टर में करंट कितनी दफ़ा गुजरेगी, दो दफ़ा। और अगर इसकी पोलैरिटी जो आपके घरों में आती है करंट, वो होती है 50 हर्ट्ज़, इसका मतलब उसकी पोलैरिटी 50 टाइम्स क्या होती है, चेंज होती है। और आपके घरों में अगर ये रजिस्टर वगैरह ये बल्ब लगा तो उसमें 100 दफ़ा क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। चले इसको तो अभी हम पढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। ये वी वोल्टेज और ये आर रजिस्टेंस, और इसमें से करंट आई गुजरी, तो ये पूरा एक साइकिल हो गया। एक साइकिल के लिए जो इक्वेशन बनती है वोल्टेज की, वो V इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, साइन ऑफ थीटा, या आप थीटा की जगह ओमेगा टी भी लगा सकते हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा आपको पता है फेज एंगल है, थीटा भी आपको पता है क्या है, फेज एंगल। लो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस सर्किट के ऊपर, ये एक ही सर्किट है पूरी पोलैरिटी के लिए बनाने लगा हूँ, यहाँ पर ये पूरे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, ये एक सर्किट मैंने क्या कर दिया, बना दिया, ये रजिस्टर और ये पोटेंशियल अप्लाई और ये क्या, करंट आई, ठीक है। तो अगर मैं किरचॉफ रूल लगाऊँ, किरचॉफ रूल क्या कहता है, किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल कहता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल वी, ये पॉजिटिव होगा, और रजिस्टर में से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रजिस्टर वाला पोटेंशियल क्या आ जाएगा, आई आर माइनस, और ये क्या आ जाएगा, जीरो, और वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर आ जाएगा, और यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ओवर आर। क्लियर हो गया? तो मैंने किरचॉफ रूल लगाकर मैंने क्या कर ली, करंट क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से देखिएगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा T, या ये वाली सारी चीज़ किसके इक्वल होती है बच्चे, थीटा के इक्वल भी होती है, जो आपको सूट करे आप कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, और नीचे ये रजिस्टर इसी तरह ही आ जाएगा, ये आई इज इक्वल टू V नॉट ओवर R मैंने अलग लिख लिया, और इधर मैंने साइन ऑफ थीटा अलग लिख लिया। ये सारी चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, I इज इक्वल टू ये आई नाट और साइन ऑफ थीटा, या I इज इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। पहले सर्किट एक्सप्लेन किया, सर्किट के बाद मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली, ठीक है, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मेरे पास कितनी इक्वेशंस बन गई हैं, दो। एक मेरे पास है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा, और दूसरी क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। अगर बच्चे मैं क्या करूँ, एंगल ज़ीरो पुट करता हूँ, फेज ज़ीरो लेता हूँ, तो वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाएगी और करंट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर मैं थीटा कितना लेता हूँ, 90 डिग्री,
तो वोल्टेज भी वी नॉट के इक्वल और करंट भी क्या हो जाएगी आई नॉट के इक्वल। पुट करके देख लें इन इक्वेशंस के अंदर, क्लियर हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों इन फेज हैं। जब एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, जब क्या होगा करंट वोल्टेज मैक्सिमम होगी तब करंट भी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और जब वोल्टेज क्या होगी मिनिमम होगी तब करंट भी क्या होगी मिनिमम होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये ले ग्राफिकल, चौथा पॉइंट आ गया ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये वाला, ठीक है। इसके बाद फेजर डायग्राम और फिर रजिस्टर और फिर क्या है पावर के ऊपर आने लगा। अगर मैं इसका क्या बनाऊं ग्राफ, ठीक है, ये पहला क्वार्टर वेव का, ये दूसरा क्वार्टर वेव का, और ये इसके बाद क्या है तीसरा क्वार्टर वेव का, और ये क्या है फोर्थ क्वार्टर। क्लियर हो गया, मैंने चार हिस्से बना लिए। और इधर मेरे पास क्या हो गया टाइम एक्सिस, क्योंकि ये टाइम के लिए आसिस का फेज चेंज हो रहा है, तो इधर मेरे पास क्या है टाइम एक्सिस। अब इधर पहले नंबर पर मैं बनाने लगा हूँ वोल्टेज का ग्राफ। तो ये देखिए ज़रा, ये वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट, और ये वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा मैं क्या बनाने लगा हूँ, क्योंकि वोल्टेज और करंट मैंने देखा इन फेज है, यानी कि जब करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है 90 पे, तो करंट भी क्या है मैक्सिमम। अब मैं दूसरा क्या बनाने लगा हूँ करंट का, रेड वाला क्या है करंट का, ठीक है। इन फेज का मतलब क्या है, इन फेज का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो क्या है जीरो है। फेज डिफरेंस क्या है जीरो। देखिए ज़रा ये इसका ग्राफ जो होगा वो आई का होगा, और इसका ग्राफ ग्रीन वाला वोल्टेज का, इसका एंगल पाई बाय टू, और इसका एंगल भी क्या हो जाएगा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या हुआ जीरो। इधर क्या हो जाएगा पाई, और इधर इसका भी क्या हो जाएगा पाई, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। इधर थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, और इधर क्या हो जाएगा टू पाई और टू पाई। हर पॉइंट पर देखिए ज़रा फेज डिफरेंस क्या आ रहा है जीरो आ रहा है थ्रू आउट द कर्व। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें मेरे पास क्या है पीक की वैल्यू क्या है कम है, ठीक है। करंट आई की पीक क्या है लेस देन है किससे वोल्टेज से, आई की पीक लेस देन किससे है वोल्टेज की पीक के साथ। क्लियर हो गया, आई की पीक लेस देन है किससे वोल्टेज की पीक के साथ। क्यों, क्योंकि करंट जो होती है वो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होती है इसका ड्रॉप होता है, ठीक है। रेजिस्टर के अक्रॉस ये क्या हो जाती है रेजिस्टर इसकी वैल्यू को क्या करता है डिक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया, इस वजह से मैं करंट की पीक क्या करूँगा कम बनाऊँगा और उसकी पीक ज़्यादा बनाऊँगा। अगला पॉइंट आ गया हमारे पास क्या है फेजर डायग्राम। अब दोनों क्या हैं इन फेज हैं, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस क्या है ज़ीरो। तो ये मेरे पास ये देखे रेड वाली करंट की, तो ये करंट की मैंने बना ली आई, ठीक है। और दूसरा क्या है वोल्टेज, तो ये मैंने ग्रीन वाली क्या बना दी वोल्टेज की बना दी, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा रखी वोल्टेज की, क्योंकि उसकी पीक ज़्यादा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है ग्रेटर है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर शोज़ दी पीक वैल्यू, तो पीक मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वोल्टेज की ज़्यादा है, तो इसलिए वोल्टेज का वेक्टर की लेंथ भी क्या रखी ज़्यादा, और पीक वैल्यू किसकी करंट की कम है इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या रखी कम। और दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये था हमारे पास नेक्स्ट वाला पॉइंट सर्किट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ग्राफिकल और फेजर। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में उसको क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आ जाएगा मेरे पास रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा, किस चीज़ का फैक्टर आ जाएगा रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस को भी हम सॉल्व करने लगे, तो रेजिस्टेंस क्या होती है वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और आर इज इक्वल टू क्या देगा वी ओवर आई। ये रेजिस्टेंस क्या है अपोज करेगी या रेजिस्ट करेगी, रेजिस्ट दी
फ्लो ऑफ एसी, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एसी। इसके बाद आ जाएगा मेरे पास जो एंड वाला पावर फैक्टर, ठीक है। अगर ये पावर फैक्टर पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, ये पावर वो होती है जो हमने क्या की है, सप्लाई की है, क्या की है, सप्लाई। लेकिन इस रजिस्टर के क्रॉस उसी पावर ने क्या होना है, ड्रॉप होना है। इस रजिस्टर के क्रॉस उसी पावर ने क्या होना है, ड्रॉप, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। अगर सीरीज में लगा हुआ है एसी सोर्स के साथ, तो पी इज इक्वल टू वी, पी इज इक्वल टू आई इसी तरह ही आ जाएगा, और इस वी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, आई आर। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर क्या लगा हो, पैरेलल में लगा हुआ कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V और ये V ओवर R, ठीक है, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर R हो जाएगा, ठीक है। ये पावर का डेसिपेशन है किसके अक्रॉस, जब पैरेलल होगा। क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट है, तो रेजिस्टिव में पावर ने क्या होना है, डेसिपेट होना ही होना है। क्लियर हो गया। ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। ओके, अल्लाह हाफिज़।